गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 6 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो देखते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ है 6 अगस्त के दिन, और क्या इम्पॉर्टेंट खबरें हैं देश और विदेश में, स्पोर्ट्स में और इकोनॉमिक में। और इसके अलावा जो मेंस की सीरीज़ चल रही है, थोड़ा सा पॉज आ चुका है मेरे हेल्थ इश्यूज़ के कारण, लेकिन मैं जल्द ही वो सीरीज़ दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। हाँ, करंट अफेयर डेली का टॉपिक होता है, इसको मिस नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने लाती रहती हूँ ये। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं, और अपना एज इट इज़ टॉपिक जो भी चल रहा है हमारा, हमारे चैनल पे एज इट इज़ चलता रहेगा, तो इसके लिए चैनल को देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में स्थित है। मतलब कि अरब दुनिया ने, जो अरब पूरी कंट्री होती है, वहाँ पे एक पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे यूएई भी कहा जाता है। और परमाणु रिएक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परमाणु रिएक्टर का नाम बराका है और खाड़ी तट पर आबू धाबी में ये स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो आप लोगों का ये जाना पहचाना नाम लुइस हैमिल्टन, इन्होंने जीता है फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम कर फार्मूला 1 कैरियर में 87th जीत हासिल की है। वे महान माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड के करीब पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ऑप्शन से आप लोग को ये शिक्षा मंत्रालय लग रहा होगा, बट करेक्ट आंसर है इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इन्होंने 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है, और इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 8 तक स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हामिद बाकायोको। राष्ट्रपति अल स्नेन ओटारा द्वारा नामित हामिद बाकायोको को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे पहले देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत थे। इसका निर्णय जुलाई 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू गॉन कालीबली की मृत्यु के बाद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च करने के लिए सिडबी ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है। तो ये किया है इसने ट्रांस यूनियन सिविल संगठन के साथ सहयोग। सिडबी की जो फुल फॉर्म होती है, ये है लघु उद्योग विकास बैंक, और इसके साथ मिलकर ट्रांस यूनियन सिविल ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन करने में मदद भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पर्यटन मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, या फिर कृषि मंत्रालय, कृषि और कल्याण मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर है जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, उसे ये अवार्ड दिया गया है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और इस मंत्रालय को छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए ये अवार्ड दिया गया है, मतलब रीज़न ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो ये किया है तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो कि लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने तक चलाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो उत्तरकाशी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उत्तराखंड है, बाकी दो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और जापान तो आउट ऑफ द सिलेबस है इसमें।
उत्तराखंड राज्य के काशी उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र ने जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीजा के नियम में बदलाव किया है? तो ये किया गया है H-1B वीजा के बदलाव, इसमें वीजा के नियमों में। और ये एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। इस वीजा के तहत किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक कार्य करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? 2%, 5%, 9% या 15%? तो इसका करेक्ट आंसर है 5%। राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1% से बढ़ाकर 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है, जिससे राज्य के गुर्जर समेत बंजारा गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है खादी व ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। इस कदम से अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने के क्षेत्र में और आयात घटाने में यहाँ पे मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? मतलब कोई अगर गलत उम्र अपनी बताता है तो 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? तो करेक्ट आंसर है इसका 2 साल। नए नियम 2020-21 के सृजन में बीसीआई ने कहा है कि उम्र में धोखाधड़ी करने पर 2 साल का बैन लगाने की घोषणा की गई है, लेकिन अगर खिलाड़ी मान लेता है कि उसकी उम्र में गड़बड़ी की है तो वह बच सकता है। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म हुआ। होप यू डू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।